टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 41+ पोस्टमैन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पोस्टमैन से रिलेटेड कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फ्रेशर हो या फिर हो मैनुअल टेस्टर या फिर पोस्टमैन सीख चुके हो, राइट, आपको पूरे सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं ना पोस्टमैन के, सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद जब भी कभी भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, राइट, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। पोस्टमैन के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं इसके अंदर। दो पार्ट्स के अंदर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। विदाउट एनी अडू शुरू करते हैं वीडियोस को, क्वेश्चंस कवर करते हैं और प्रॉपरली इनको समझाता हूं मैं आपको कि क्यों और कैसे आंसर देना है अगर आपको इससे रिलेटेड, पोस्टमैन से रिलेटेड अगर कोई भी, ईपीआई टेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, सब्सक्राइब करके जाओ और पार्ट टू कमेंट में लिख जाना अगर आपको पार्ट टू, अगर ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो पार्ट टू लिख जाना ताकि मैं पार्ट टू प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट है अवेलेबल है, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी पीडीएफ वर्जन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं यहाँ पे कि पोस्टमैन एग्जैक्टली है क्या, राइट। पोस्टमैन एग्जैक्टली है क्या? पोस्टमैन एक्चुअल में अगर मैं आपको बोलूँ ना, पोस्टमैन एक्चुअल में एपीआईज को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, postman.com की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे वो क्लियरली मेंशन करता है कि पोस्टमैन इज बेसिकली ए सुइट टू क्रिएट और टू डेवलप दी एपीआईज कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन पे एपीआई को डेवलप करने पे, कोलैब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोलैबोरेशन पे एपीआईज को डेवलप करने के लिए पोस्टमैन को बनाया गया था। पर अगर आप क्यूए हो, अगर आप एक एसडेट हो, राइट, अगर आप एक मैनुअल टेस्टर हो, राइट, अगर आप इनमें से कुछ भी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो समथिंग कॉल्ड एज एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, आप इसको एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप एपीआई टेस्टिंग के अंदर भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हो रेस्ट को भी। रेस्ट एक टाइप ऑफ एपीआई होता है, इसके अंदर सोप भी, वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो रेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हो, सोप को भी कर सकते हो, और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है इसके अंदर आप इसको ग्राफ क्यूएल, ठीक है, जो न्यू इंटरेस्टिंग क्वेरी लैंग्वेज है, राइट, एपीआईस की क्वेरी लैंग्वेज है, इसको भी टेस्ट कर सकते हो। इवन आप इसमें वेब सॉकेट्स को भी टेस्ट कर सकते हो। वेब सॉकेट्स आई थिंक हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम शायद ग्राफ क्यूएल और रेस्ट या फिर इन दिनों कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया कि वाई वी यूज पोस्टमैन, आई थिंक इसको कवर हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो हम पोस्टमैन को यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट एस टी पी पी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एस टी पी पी मेथड्स क्या है, इस पे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कवर करेंगे, ठीक है। पर आप समझ लो कि सारे एस टी पी पी मेथड्स को कवर करने के लिए जितने भी एस टी पी मेथड्स होते हैं ना, जनरली लोग क्रड बोलते हैं उसको, क्रड, क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट, राइट, उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं सारे मेथड्स को आप इसमें पोस्टमैन में यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली ब्राउजर से नहीं कर सकते, इसलिए आपको पोस्टमैन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वाला हमने क्वेश्चन भी कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया। वेन टू यूज पोस्टमैन, तो पोस्टमैन आपको मैंने बताया कि जब ब्राउजर से आपका काम ना चले, ब्राउजर से जब आप डिफरेंट एस टी पी पी मैथड्स को नहीं मार सकते, राइट, डिफरेंट एस टी पी पी मैथड को नहीं मार सकते, फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट से नहीं, पोस्ट कॉल नहीं मार सकते, पैच रिक्वेस्ट नहीं मार सकते, पुट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन रिक्वेस्ट जितनी, ये सारे एस टी पी पी, ये सब पता क्या है, ये सब एस टी पी पी के मैथड्स हैं, ठीक है। एस टी पी पी के मैथड बेसिकली क्या है कि ये आपका क्लाइंट था सी, ये आपका सर्वर था, और ये जो रिक्वेस्ट मारता है और ये जो रिस्पॉन्स आता है, राइट, ये सब एस टी पी पी के थ्रू होता है और ये सब होता है इन मेथड्स के थ्रू। इन मेथड्स को ब्राउजर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, समझ लिया यहाँ पे, इसीलिए हमें पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, पोस्टमैन अकेला नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है पोस्टमैन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार लोग इसको पूछते हैं, ठीक है, तो इसको कवर करते हैं। ड्रॉबैक है कि इससे आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते। अब इतना गंदा लिखा है मैंने, पर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, इसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग में पीटी लिख देता हूँ। तो आप इससे परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप इससे लोड टेस्टिंग नहीं कर सकते, स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं कर सकते, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, सबसे बड़ा कि आपको डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ता है बहुत बार यहाँ पे, डुप्लीकेट कोड, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेस्ट केस अगर टेस्ट करना है ना, तो ये मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। आई थिंक मैंने बहुत बार पोस्टमैन की जब सीरीज हमने कवर करी थी ना, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपरली समझाया था कि यहाँ पे डुप्लीकेट कोड बहुत हो रहा है, तो वहां पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आपको जब भी कोई इंटरव्यू और मान लो ये बैठा है आपके साथ,
ठीक है, वो पहले छूटते ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट एग्जैक्टली इज एपीआई। ठीक है, तो एपीआई की डेफ सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए विच इज इट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, वही वाला डायग्राम मैं आपको बता देना, यहाँ पे बना देना, एक क्लाइंट बना देना, यहाँ पे एक शेफ बना देना, और यहाँ पे एक वो बना देना, यहाँ पे शेफ बना देना, यहाँ पे वेटर बना देना, और यहाँ पे अपने क्लाइंट को बता देना। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हो, दो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के बीच में कॉम्युनिकेशन कौन कराता है, एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे कवर कर लिया है, यहाँ पे एपीआई को हमने, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है ये, बेसिकली क्या होती है, कंडीशन होती है, दीज आर कलेक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, दीज आर कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको डायग्राम पे दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैं खुद गायब हो गया लेकिन आप समझ जाओगे कि ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट आपसे सर्वर पे रिक्वेस्ट मारता है, ये आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो बीच में जो मिडल पार्ट है वो है एपीआई। ठीक है, यहाँ पे कवर करता है, और ये एपीआई क्या होते हैं, ये फंक्शंस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, मैं आ गया वापस आपके साथ। चलो स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे राइट ओके। तो अब मैं अपना मार्कर ले आता हूँ वापस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फिर अगला छठा क्वेश्चन आता है कि कैन यू टेल द अल्टरनेट्स ऑफ पोस्टमैन। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आपसे ना पूछेंगे कि अल्टरनेट बताओ, पोस्टमैन के अल्टरनेट बताओ। तो पोस्टमैन जो जनरली हम यूज कर रहे हैं, राइट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने आपको पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एपीआई और टेस्टिंग के लिए, राइट, एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप कैटलॉन स्टूडियो को यूज कर सकते हो, आप सोप यूआई का यूज कर सकते हो, एप जी का यूज कर सकते हो, जे मीटर में भी एपीआई टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एपीआई टेस्टिंग आपको मिल जाती है, तो उस पर ध्यान देना। टोस्क का भी यूज कर सकते हो, स्कॉच यूज कर सकते हो, मल्टीपल टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसोमेनिया भी मिल जाएगा, टेस्ट मेस भी मिल जाएगा, testmace.com। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो पोस्टमैन का जनरली अगर आपको कोई अल्टरनेट बोले कि पोस्टमैन का अल्टरनेट कौन सा है, तो कैटलॉन यूज कर सकते हो, सोप यूआई, एक जी, जेमीटर वगैरह, फिर कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर, तो बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट पे स्क्रोल कर देता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे लोग आपसे ना ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, वो है, इसको कर देते छोटा, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी मेथड्स बता दो हमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना गाइस, कि आपके हो सकते हैं गेट, पोस्ट, पुश, पैट, डिलीट, ऑप्शंस और हेड। अब यहाँ पे गेट होता है, गेट मेथड जो होता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पोस्ट भी मैं आपको फिर भी एक बार जल्दी जल्दी करता हूँ। गेट बेसिकली किसी भी चीज रिसोर्स को फेच करने के काम आता है, आपको सर्वर से इंफॉर्मेशन चाहिए तो गेट से गेट होगा, सर्वर पे कुछ क्रिएट करना है, स्टूडेंट को क्रिएट करना है, तो क्रिएशन के लिए आपको पोस्ट यूज होता है। पैच मतलब आपको जब पार्शियल अपडेट करनी होती है, तो पार्शियल अपडेट, सिर्फ एज अपडेट करनी है, ठीक है, तो पैच यूज करोगे। पैच लगाते नहीं, जैसे कमीजों पे पैच लगे होते छोटे छोटे, तो वो छोटा सा अपडेट होता है ना, तो पार्शियल अपडेट। पुट मतलब फुल अपडेट, फुल अपडेट होती है। ठीक है, और डिलीट तो डिलीट है। ऑप्शंस बेसिकली होता है, पहले सर्वर क्लाइंट जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट मारता है, तो वो बताता है कि हाँ मैं गेट सपोर्ट करता हूँ, वो बेसिकली ऑप्शंस बताता है कि कौन कौन से मैं एचटीटीपी मेथड सपोर्ट करना हूँ, तो ऑप्शन होता है। हेड के अंदर क्या होता है, वो सिमिलर टू गेट कॉल होती है, सिमिलर टू गेट कॉल है, पर बॉडी नहीं आएगी, बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ हेडर इन्फॉर्मेशन आएगी। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी पार्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं फटाफट 8वें क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन जनरली लोगों से पूछा जाता है कि सोप रिक्वेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया बहुत मोटा, इसका थोड़ा सा पतला कर देता हूँ मैं, बहुत छोटा ही कर लेता हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब ये यहाँ पे जनरली क्वेश्चन आता है कि ये सोप रिक्वेस्ट जो है ना, सोप रिक्वेस्ट पोस्टमैन पे मार सकते हैं क्या? बिल्कुल मार सकते हो आप पोस्ट। ठीक है, इसका डेमो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये वीडियो है, इसके sd.live तो याद कर ही लो, 4EUS, इसको कैपिटल को डाल के देखना, इसके अंदर डालोगे तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली समझाया है कि कैसे आप एक सोप रिक्वेस्ट भी मार सकते हो पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, क्लियर है, उसको यूज कर लेना। ठीक है, अब ना एक एक करके सारे एचटीपीपी मेथड्स आएंगे जिसको हम अच्छे से समझते हैं, और हमें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसको मैं करता हूँ फिर से बड़ा। सबसे पहले लोग पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट होती क्या है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड याद रखो, इसका नाम है फैच। जब भी क्लाइंट सर्वर से कुछ फैच करना चाहता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब रिज्यूम करो सर्वर के ऊपर स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है, स्टूडेंट्स पढ़े हैं यहाँ पे, 40 स्टूडेंट पढ़े हैं, अब आपको स्टूडेंट नंबर 1 देखना है,
तो आप गेट करोगे, ठीक है? तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भेज देगा जेसन की फॉर्म में, जेसन। अब जेसन क्या चीज है, जेसन को हम आगे समझेंगे, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है, ठीक है? अगर यू वॉन्ट टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन सर्वर बाई यूजिंग द यूआरएल, इसको हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट यूजिंग गेट शुड बी रिट्रीव द डेटा एंड शुड हैव नो अदर इफेक्ट ऑन द डेटा। बेसिकली ये बोल रहे कि अगर आपने 40 स्टूडेंट पढ़े थे हमारे सर्वर पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक स्टूडेंट वन का रिली का डेटा लेता हूँ तो इससे कोई डेटा पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैंने नया तो नहीं बनाया ना डेटा, तो इसलिए गेट यहाँ पे यूज होता है। गेट बेसिकली रिट्रीव करने के लिए काम होता है, क्लियर है यहाँ पे? अब यहीं पे पोस्ट रिक्वेस्ट आता है कि अगला क्वेश्चन हमारे पूछते हैं कि पोस्ट क्या है, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पे अटेंशन टू दिस। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब किसी पे पोस्ट करना, जैसे पोस्टमैन होता है तो पोस्ट करता है, कुछ फेंकता है यहाँ पे, ठीक है? पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज टू सेंड द डेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट वही है, यही सर्वर है। अब आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट, 41वां स्टूडेंट क्रिएट करना है मुझे, तो आप क्या करोगे, एक सेंड डेटा करोगे। सेंड डेटा को यहाँ पे पेलोड भी बोलते हैं, ठीक है, या बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉडी बोलते हैं, कुछ लोग पेलोड बोलते हैं, कुछ वो लोग डेटा बोलेंगे। सर्वर पे अगर डेटा भेजना है, मुझे एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, क्लाइंट क्या करेगा, आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा। यहाँ पे फिर से समझ लो, क्लाइंट जो है वो पेलोड देगा, ठीक है, सर्वर को, और पोस्ट का मेथड यूज करेगा, पोस्ट को मेथड यूज, एचटीटीपी मेथड यूज होगा, पोस्ट पेलोड डेटा भेजेगा, जिससे क्या होगा, कोई भी फाइल अपलोड हो सकती है, कस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है उसको वो चेंज कर देगा। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड हो सकता है विद और विदाउट ऑथेंटिकेशन। अब ये ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट बता दो प्रमोद, ये क्या चीज है? ऑथेंटिकेशन बेसिकली मीन्स होता है कि मान लो इस सर्वर पे 40 स्टूडेंट हैं, अब मुझे 41वां बनाना है, राइट? तो क्या कोई भी आके बना देगा, क्या नहीं बनाएगा ना, तो एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होना चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन होती है। अगर तुम यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे इस एपीआई के साथ, इस एंड पॉइंट के साथ, तभी मैं नया स्टूडेंट बनाऊंगा, ना मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो इसी को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। फेसबुक में जैसे ऑथेंटिकेशन होती है, अगर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आप लॉग इन होगे, राइट? तो सिमिलरली उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए भी ना आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो पोस्ट के अंदर विद और विदाउट ऑथेंटिकेशन दोनों में चल जाता है, ठीक है? गेट भी हो सकता है ऑथेंटिकेशन के साथ, कहीं आपको कोई उल्लू ना बना दे, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है पैच रिक्वेस्ट। पैच मैंने आपको समझाया था, क्लाइंट सर्वर 40 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि मुझे, मैंने एक पोस्ट कॉल मारी, पहले मैंने पोस्ट कॉल मारी और यहाँ पे स्टूडेंट हो गए हमारे 41, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि अरे 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 मेरे से गलती हो गई, जो 41 स्टूडेंट है ना उसकी एज ना 31 ईयर्स है, मैंने 21 लिख दी थी गलती से, तो आप क्या करोगे, एक पार्शल अपडेट मारोगे, पार्शल अपडेट मारोगे ना, तो इसी को कहते हैं पार्शल अपडेट। अगर मारोगे टारगेट रिसोर्स पे तो पैच रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है? इसका डेमो मैंने एपीआई टेस्टिंग वाली सीरीज के अंदर दिखा रखा है, तो वहां पर जाके पैच रिक्वेस्ट का डेमो देख लो, ठीक है? पर पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिप्लेसेस ऑल द रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर उसका नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? मतलब जो आप चीज भेजोगे इसके, जनरली पुट में क्या होता है कि पूरे के पूरे डेटा पूरा जाएगा, नेम भी जाएगा, एज भी जाएगी, एड्रेस भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, पर अगर यही चीज पैच में होती तो सिर्फ नेम जाता रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है? तो पैच लाइट वेट हो गई ना, क्योंकि हमने तो एक ही रिक्वेस्ट डेटा है भेजा है, तो इसको स्मार्टली यूज करना होता है। जब आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज अपडेट करनी है तो आपको यूज करना है पैच, अगर आपको एक बहुत पूरा का पूरा डेटा रिप्लेस करना है तो हमें यूज करना है पुट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट को याद कर लो अच्छे से, इनको एग्जैक्टली यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट को पूरा अच्छे से याद करके इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एरो करके भी दिखा देता हूँ कि ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो प्रॉपरली, तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट तो बहुत आसान है, राइट? डिलीट में क्या होगा, डिलीट में ये होगा, अब मैं इस पर यहाँ से ले लेता हूँ अपनी वो, ठीक है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, काम करते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट में क्या होगा, अच्छा हाईलाइटर हमारा थोड़ा येलो ले लेते हैं हम, पहले मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट रिक्वेस्ट में क्या होगा, डिलीट रिक्वेस्ट में है बेसिकली रिमूव द रिप्रेजेंटेशन, बट बेसिकली 41 नंबर जो तुमने बनाया था, ये तो कलर ही बहुत ही अजीब हो गया, ठीक है? 41 क्लाइंट था, सर्वर था, 41 जो स्टूडेंट बनाया था मुझे डिलीट करना है, ठीक है? तो मैं डिलीट की रिक्वेस्ट मारूंगा और 41 हो जाएगा डिलीट, फिर हो जाएंगे फिर से 40, ठीक है? हेड मेथड क्या है, हेड बेसिकली गेट की तरह ही काम करता है, पर इसमें सिर्फ आपके हेडर्स आएंगे, ठीक है? हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स होते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन, की वैल्यू पेयर्स में मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, की वैल्यू पेयर, के वी याद रखो, ठीक है? चलो अब नीचे आते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है?
ठीक है चलो, अब यहाँ पे हम आ गए, इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होता है ये, वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन के बाद हम एक सेकंड पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले एपीआर रिस्पॉन्स में आप क्या क्या वैलिडेट करोगे? स्टेटस कोड वैलिडेट कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो, फर्दर टेस्टिंग कर सकते हो, हेडर कर सकते हो। तो जनरली ये याद रखो, रिस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस कोड, ठीक है, और हेडर्स, हेडर एसडी, ये तीनों याद रखो। आरएसएच हमेशा वैलिडेशन होता है। इसके बाद फर्दर आप टेस्टिंग लगा सकते हो, फंक्शनल टेस्टिंग लगा सकते हो। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में आप यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अब लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट, जिसके अंदर बाउंड्री वैल्यू हो सकती है, इक्वलेंस पार्टीशन हो सकता है, डिसीजन टेबल हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, पेयर वाइज टेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग से आपके बहुत सारे टेस्ट केसेस बन जाएंगे, पर वो सब वैलिडेट आपके रिस्पॉन्स को ही करते होंगे। ठीक है, तो आरबी, एससी और एसटी, एपीआईज में तीन तरह के टेस्ट केसेस ही होते हैं, उनके फर्दर डिवीजन होते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट को देखना करें, हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है।